प्यावर में लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन करने पर जुर्माना, बड़ी खबर इस वक्त की। खान विभाग ने 10 गुना रॉयल्टी लगाकर 38 करोड़ का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए थे। सभी जिला कलेक्टर को अवैध खनन परिवहन रोकने के निर्देश। आज ब्यावर कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के आदेश पर कार्रवाई हुई। रायपुर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में अवैध खनन पर यह बड़ा एक्शन है। चांग तहसील के ग्राम अमरगढ़ में पाया गया यह अवैध खनन। अब करणी कृपा ग्रेनाइट फर्म द्वारा लीज क्षेत्र से बाहर यह अवैध खनन था। गणना करने पर कुल 13,110.96 टन अवैध खनन मिला है, जिसकी पेनल्टी राशि रॉयल्टी का 10 गुना पाया गया। इस तरह से 37,73,21,000 का जुर्माना लगाया। जांच में अवैध खनन क्षेत्र में कुल 5,571 वर्ग मीटर और अवैध अतिक्रमण क्षेत्र 22,274 वर्ग मीटर पाया गया। ग्रामीणों की शिकायत के सत्यापन के आधार पर यह कार्रवाई। काशीराम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। काशीराम, में किस प्रकार का एक्शन अवैध खनन पर दिखाई दिया है, पूरी जानकारी दे दर्शकों को। जैसे देखिए, यहाँ पर जो ग्रामीण है, स्थानीय ग्रामीण चांग तहसील के इलाके में, उन्होंने शिकायत की थी कि इस लीज में अवैध खनन हो रहा है। ग्रामगढ़ में करणी के पास ग्रेनाइट फर्म की लीज, उसमें जो स्वीकृत खनन क्षेत्र था उसके अलावा बाहरी क्षेत्र में खनन किया जा रहा था जो अवैध था। और अवैध खनन क्षेत्र की मापा गया, जब उसकी गणना की गई तो वो 5,571 वर्ग मीटर पाया गया। और कुल मिलाकर जो अवैध अतिक्रमण क्षेत्र था वो 22,274 वर्ग मीटर था। इस तरह से आज जो SDM के नेतृत्व में पूरी टीमें थी, खान विभाग की, पुलिस की, प्रशासन की, इन सभी टीमों ने पूरी नापजोक की और उसके आधार पर अवैध खनन मानते हुए जो है जुर्माना लगाया गया है। खान विभाग ने 37,73,21,000 रुपए का जुर्माना लगाया है फर्म पर, अन्यथा फर्म की जो रवन्ने कार्य की शक्ति है वो सीज कर दी जाएगी और साथ ही जो खनन लीज का जो लाइसेंस है वो निलंबित या रद्द किया जा सकता है जुर्माना जमा नहीं कराने की स्थिति में। और जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत जो है, उन्होंने निर्देश दिए थे और उसी आधार पर कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।